हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस पीटी पॉइंटर हिस्ट्री सीरीज बाय मी। एंड एज यू ऑल नो दैट आई एम द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑन आशीष मलिक आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड आई होप सो कि आप अपना इस डेली डोज ऑफ हिस्ट्री DDH को आप कंटिन्यूसली गेन कर रहे हैं और अपना लव कंटिन्यूसली शो कर रहे हैं बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। इससे पहले वी हैव डन विथ 6 parts, ओके, एंड ऑल दोज 6 parts आर ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 एन सी आर टी हिस्ट्री। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस डेली डोज ऑफ हिस्ट्री को लेते रहें एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर वीडियो। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 एन सी आर टी हिस्ट्री की जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर 2 कवर करेंगे। ठीक है, और वो चैप्टर 2 पूरा का पूरा डिपेंडेंट है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। और इसमें मेन जो आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि यही बेसिकली हम लोग को सिटी लाइफ और कैसे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ इन ह्यूमंस वो हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले पार्ट में आई हैड गिवन अ ब्रीफ नॉलेज रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन कि कैसे फ्रॉम द एनिमल्स और वी कैन से कैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे एक सिविलाइज्ड पर्सन में कन्वर्ट हुए, कैसे ट्रेडिंग राइटिंग एंड ऑल दीज थिंग में इंक्लूड किया अपने आप को, वो कैसे किया हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक मैं बता दूं दैट देयर आर 3 डायनामिक बैचेस दैट हैव बीन रिसेंटली स्टार्टेड ऑन 29th of June। ठीक है, 29th June को रिसेंटली अभी अनएकेडमी प्लस पे 3 नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 या फिर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन दिस अनएकेडमी प्लस। And for this, these are the courses. And also, if you want to avail 10% discount, so please use this code also. You will get 10% off. ठीक है? These are the courses. After this, this is book by Ashish Malik sir, which is available on Flipkart and Amazon. आप इसको परचेज कर लो बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर ओरिएंटेशन और बेसिकली आपका बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ करंट अफेयर को ये कवर कर लेती है। ठीक है, तो ठीक है, बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ को कवर करने से आपको इवेंट्स की अच्छी खासी नॉलेज समझ में आएगी, इवेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ जाएगी। इसके अलावा टाइमलाइन पूरी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, कैसे हम लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 36 मिलियन ईयर अगो से लेकर के पूरा हम लोग इवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री कवर करते हुए 1.6 मिलियन ईयर तक की आए थे एंड देन आफ्टर ऑल्सो वी हैव कंटिन्यूड फर्दर। सो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और कैसे कंटिन्यू करेंगे देखते हैं। देन आफ्टर टर्मिनोलॉजीज तो दे आर हैविंग इन देयर रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंस। देन आफ्टर द टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पार्ट को भी आप उतना ही लव दें और प्लीज़ आप पिछले के 6 parts जो कि चैप्टर 1 से डील करते हैं वो सारे के सारे आप एक बार देख लें। ठीक है, तो गाइज जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ दैट आई एम टेकिंग द क्लास 11th NCERT हिस्ट्री बुक एज अ सोर्स ऑफ दिस सीरीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डील करेंगे चैप्टर 2 के साथ। ठीक है, चैप्टर वन इज़ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, और द चैप्टर 2 इज़ द राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, सो वी विल बी डीलिंग विद दिस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जैसे अपने यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वैसे ही यहाँ एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी आई थी, सबसे एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। तो देखते हैं क्या होता है। और एज सच इस हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट्स पे डिपेंड करती है, स्टेप वाइज स्टेप ग्रेजुअल इंक्रीमेंट पे डिपेंड करती है, तो हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर देने से, ये क्योंकि पहला पार्ट है इस चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा दैट इस पार्ट में वी विल बी डीलिंग मेनली विथ द एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि अपने में ही बहुत एक वास्ट
टॉपिक है, उसके बाद फिर राइटिंग राइटिंग सिस्टम एंड द लिटरेचर, देन आफ्टर द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के क्या फ़ायदे थे, क्या क्या उसने उसकी वजह से जो लोगों में जो कह सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट आया, जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस किया लोगों ने, उसके बारे में हम समझेंगे। देन आफ्टर द लाइफ इन सिटीज़, देन ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स एंड मच मोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट PDF एज वेल एज नोट्स, तो आप प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अच्छे से इस मैप को देख लें। ठीक है, क्योंकि ये मैप जब तक कि आपके माइंड में सेट नहीं होगा, तब तक कि जो टर्मिनोलॉजीज आते रहेंगे, प्लेसेस के नाम आते रहेंगे, वो फिर बहुत बड़ा एक हवा बन जाएगा और वो फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि अगर हम जियोग्राफिकल कंडीशंस की बात करें, तो देखो अच्छा खासा यहाँ पे वाटर बॉडीज़ भी हमें देखने को मिल रही है, लाइक मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, देन उसके बाद फिर पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को दो नदी देखने को मिल रही है, दैट इज़ द रिवर ट्रिग्रिस एंड रिवर यूफ्रेटिस। ठीक है, तो जिसको कि एक्चुअल में फरात नदी और टिग्रिस नदी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ स्पेशल प्लेसेस भी देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि उरुक और जैसे कि उरुक एंड उर एंड मारी, देन सीरिया, टर्की, इजिप्ट, डेजर्ट ऑफ अरेबिया, ईरान, कैस्पियन सी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही होंगी। तो प्लीज़ और मेनली ये जो सर्किल वाला पोर्शन है, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ज़्यादा को रिलेट करता है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को एक माइंड में अच्छे से अपने आईज़ में कैचअप कर लें इससे इसके बाद। ठीक है, तो अब डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने व्यू पॉइंट के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ पे हम लोग को जो मेन सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। मेसोपोटामिया वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में बता दूँ, यहाँ पे एक वर्ड है मीसो प्लस एक है पोटामिया। ठीक है, तो यहाँ पे मीसो का मतलब जो होता है, ये इसका मतलब होता है मिडिल या फिर इन बिटवीन, और पोटामिया का मतलब होता है रिवर या फिर रिवर्स। तो यहाँ पे दो दो नदियों के बीच का एक जो स्थान है या जो प्लेस है, उसको हम लोग यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बट अब सबसे बड़ी जो बात आती है कि कौन कौन सी ये जो रिवर्स हैं, तो एक रिवर है यहाँ पे आपकी यूफ्रेट्स और दूसरी है यहाँ पे रिवर टिग्रिस। ठीक है, तो ये दो नदियाँ हैं जिनके जो बीच का प्लेस है, उसको हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेसिकली दैट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इराक एट प्रेजेंट। अगर कोई पूछे प्रेजेंट डे कंडीशन ऑफ द मेसोपोटामिया, तो वो इट इज़ नाउ बिकेम द पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। ठीक है, देन आफ्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, इट्स वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ये आप यहाँ पर देख लीजिए, दैट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ एंड इट्स वॉल्यूमिनस रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। देखिए ये बेसिकली एसेंशियल फीचर्स हैं, कोई भी सिविलाइजेशन होती है तो इट ऑलवेज हैव इट्स सर्टेन फीचर्स। तो उसके यहाँ पे अगर हम स्पेशलिटीज़ की बात करें मेसोपोटामिया की, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन मेसोपोटामिया राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, देन नॉर्दर्न सीरिया, टर्की आफ्टर द 2000 BC, सो दैट द किंगडम ऑफ दैट इंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन एंड अदर, देन आफ्टर टू द फेरोआ ऑफ इजिप्ट इन द लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, हियर वी शैल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ एंड राइटिंग। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ही हमें समझ में आता है कि कैसे सिटी लाइफ और साथ ही साथ राइटिंग में, क्योंकि क्या होता था, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया की जो राइटिंग होती थी वो कैसे, आपका अगर हम सीरिया की बात करें, टर्की की बात करें, देन नॉर्थन मेडिटेरियन की बात करें, सॉरी ईस्टर्न मेडिटेरियन की बात करें, तो हर जगह क्या थी, वाइड स्प्रेड थी। तो लोगों को बीच में आपस में कांटेक्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल द फेरोआ ऑफ द इजिप्ट, फेरोआ मतलब होता है रूलर, ठीक है, फेरोआ मतलब रूलर, तो उनको अगर मान लो कोई बात लिखनी है, किसी से कोई बात पूछनी है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग, बाय द हेल्प ऑफ पेन पेपर उस चीज़ को समझ सकते थे, एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा
ठीक है, तो चलिए आगे एक और बात बताऊंगा. इन द लैंग्वेज एंड टू एंड स्क्रिप्ट ऑफ मिसोपोटामिया हियर वी शैल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ एंड देन लुक एट सम आउटकम्स ऑफ दिस ऑफ द सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग. ठीक है, तो आफ्टर दिस हमें क्या मिलता है, एक सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग देखने को मिलता है. देखिए एक बहुत अच्छी सी एक लाइन होती है, निंद्रा भजन भाग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान. ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन मैंने जहाँ पे सुनी थी तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए हम लोग से अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में बात करें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं. ठीक है, बट लेकिन जो एक सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन एक्सीलेंस और ये सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर है, सोचने समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस हैड मेड ह्यूमंस टू सेपरेट देमसेल्व फ्रॉम द रेस्ट एनिमल कम्युनिटी. ठीक है, और अपने आप को, अब चूंकि इंटेलिजेंस था इसलिए लैंग्वेज डेवलप करी, लैंग्वेज डेवलप की इसलिए कम्युनिकेट कर सके, इजली कम्युनिकेट कर सके, इसलिए चीज़ें और भी प्रोग्रेस हो सकी. ठीक है, तो बेसिकली ये जो एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज है ये इसी का ही नतीजा है, ड्यू टू द इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज साउथ, अर्बनाइज साउथ की जगह को हम लोग बोलते थे सुमेर. ठीक है, और अक्काड. ठीक है, एंड देन इसके बाद फिर बेबीलोन नाम की भी एक जगह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती है समय के साथ साथ, अराउंड 2000 BC. देन 1100 BC के अराउंड एक असीरियन एम्पायर बनता है, और इस तरीके से कई सारे. देन इसके बाद एक अक्काडियन एम्पायर, मतलब कि द फर्स्ट इज़ द सुमेरियन, देन इसके बाद द अक्काडियन, देन बेबीलोन. ठीक है, एंड देन पहले तो देखिए आया पहले आया सुमेरियन, सुमेरियन के बाद आया अक्काडियन, अक्काडियन. ठीक है, अक्काडियन के बाद आया बेबीलोन, एंड बेबीलोन के बाद आया फिर असीरिया. ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आज नोट डाउन करने में, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट. ठीक, तो ये सारी जो सिविलाइजेशंस हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. अगर इसका टाइम पीरियड आप नोट करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी बेसिकली वो 3500 BC से 2300 BC तक की प्रोग्रेस करी. देन इसके बाद अक्काडियन एम्पायर जो था वो 2300 BC से 1900 BC तक की हमें देखने को मिलता है. देन इसके बाद बेबीलोनिया जो है वो हमें 1900 BC से 1300 BC में मिलती है, एंड देन लास्ट इज़ द असीरियन जो कि हमें 1300 BC से 612 BC में देखने को मिलता है. इसके बाद फिर इस्लाम धर्म आ जाता है, वो सब आगे की चीज़ें जब हम लोग आगे कवर करेंगे उस चीज़ों को. ठीक है, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करें कि जो पुरातत्व विभाग वाले थे उन्होंने किस तरीके से जब स्टार्ट किया तो वो कब स्टार्ट किया, 1840 में स्टार्ट किया. ठीक है, मीन्स मतलब मेसोपोटामिया के अंदर जो जो खोज होना स्टार्ट हुई वो 1840 में हुई एट वन ऑफ द टू साइट्स लाइक उरुक एंड मारी वर द प्लेसेस जहाँ पे ये बेसिकली फाइंडिंग्स स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इसके बाद नॉट ओनली कैन वी स्टडी हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स स्टैचूज, अब यहाँ पे बेसिकली जैसे बिल्डिंग्स स्टैचूज ऑर्नामेंट्स ग्रेव्स टूल्स सील्स ये सब क्या थे, बेसिकली सोर्सेस थे. ठीक है, क्या थे, सोर्सेस थे टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स कॉज, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है, हर एक डिस्कवरी के पीछे कुछ ना कुछ सोर्स होता है. ठीक है, तो प्लीज़ उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जैसे बिल्डिंग स्टैचूज ऑर्नामेंट्स ग्रेव्स टूल्स सील्स दीज आर द सोर्सेज रिगार्डिंग द डिस्कवरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया. ठीक है, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियन बिकॉज ऑफ रेफरेंसेस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट. अब ये यूरोपियन के संदर्भ में देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट होता है बाइबल का उसमें भी एक वर्ड यूज़ हुआ है शिमार. ठीक है, और शिमार इज़ सब्जेक्टेड टू सुमेर, और अगर आपको याद हो कि सुमेर इज़ नथिंग बट हियर वी हैव रिफर्ड इज एज द अर्बनाइज साउथ ऑफ मेसोपोटामिया. ठीक, तो ये जो शिमार है ये सुमेर के लिए ही यूज़ किया गया है, एंड इट हैज़ बीन यूज इन द ओल्ड टेस्टामेंट. दैट इज़ वाई मेसोपोटामिया इज़
ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एंसेस्ट्रल लैंड, ठीक है। मेसोपोटामिया को क्या माना जाता था? एंसेस्ट्रल लैंड माना जाता था। एंड व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगेन इन द एरिया देयर वाज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो जो ओल्ड टेस्टामेंट में बात लिखी थी वो जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवरीज की वो धीरे धीरे करके प्रूव होने लगी। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे बाइबल से रिलेटेड करें इस चीज़ को, तो एक एक कहानी कही जाती है। देखिए हिस्ट्री को आप एक बात याद रखिएगा, जितने अच्छे तरीके से कहानी के तौर पर पढ़ेंगे वो उतने ज़्यादा लंबे समय तक की और उतने अच्छी तरीके से आपके दिमाग में चिपक के रहेगी, ठीक है। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो यहाँ पे एक हमको यहाँ पे बाइबल की एक स्टोरी बताई जाती है कि दैट देयर वॉज मैन नेम नोहा, और उसको एक बार मतलब देयर वॉज अ टाइम जब एक बार फ्लड आना था जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना था अर्थ पे। तो नोहा ने क्या किया, एक बोट बनाई, बोट के ऊपर हर एक टाइप की स्पीशीज़ को एक एक करके बैठा लिया, ताकि वो चाहता था कि जब ये फ्लड ख़त्म हो जाए तो फ्लड ख़त्म होने के बाद भी ये स्पीशीज़ जो हैं ये फर्दर इसी अर्थ पे ग्रो कर सकें। इसलिए सब उसने क्या किया, सबको बैठा लिया एक एक करके, एंड फर्दर इट हैज़ प्रोसीडेड इट्स वर्क, ठीक है, जिसकी वजह से अभी स्पीशीज बची हुई हैं, हम लोग हैं, अदरवाइज हम लोग शायद ना होते ये बाइबल के हिसाब से, तो ठीक है। आगे देखते हैं, ये अभी तक की आपने जो पीछे जितनी भी मैंने आपको प्लेसेस बताई हैं, जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस उरुक, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस उरुक, दिस मारी, दिस टिग्रिस रिवर, दिस यूफ्रेस्टस, देन सीरिया, देन टर्की, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इस मैप में देख लीजिए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सिचुएटेड हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएँ, जो मेरा मेन एम है, ठीक है। ओके, आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ओके, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे मेसोपोटामिया और उसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं कि उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी। अगर हम यहाँ पे बांट दें, जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज़ मेसोपोटामिया और हम इसको बांट दें लाइक दिस, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये पार्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो अगर आप पीछे बैकग्राउंड में ये पढ़ें तो इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट, इट इज़ अ नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्ट लाई द ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, मतलब कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो एरिया था, ये नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया में बेसिकली ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हमें देखने को मिलते थे। क्या था, ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हमें देखने को मिलते थे, दैन द ग्रेजुअल राइजिंग टू द ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस, ठीक है, मीन्स देयर वर द माउंटेन रेंजेस, देयर वर द प्लेन्स एंड ऑल्सो वेरी लार्ज एक्सटेंसिव ग्रीन सॉरी ट्री कवर विथ क्लियर स्ट्रीम एंड वाइल्ड फ्लावर्स। यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम देखने को मिलता था और वाइल्ड फ्लावर्स देखने को मिलते थे। देन हियर एग्रीकल्चर बिकेन बिटवीन द 7000 to 6000 BC इन द नॉर्थ, मीन्स लाइक हियर इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड अ स्टेप वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। यहाँ पे बेसिकली एनिमल हर्डिंग का काम होता था, यहाँ पे ऐसा जितना एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया एज़ कम्पेयर टू द एनिमल हर्डिंग, ठीक है। देन आफ्टर द विंटर रेन शीप एंड गोट्स फीड्स ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर टू द ईस्ट। अब यहाँ पे बेसिकली जो एरिया था नॉर्थ वाला, यहाँ पे जो छोटी छोटी घासें निकल आती थी या फिर जो श्रब्स होती थी उनको ये क्या करते थे, ये एनिमल्स जो होते थे वो कंज्यूम करते थे और दे रन देयर लाइवलीहुड बाय इट्स हेल्प, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, तो टिग्रिस रिवर देखने को मिलती है। तो दिस इज़ बेसिकली अ क्लियर कट ज्योग्राफी। देन टिग्रिस रिवर जो हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन ऑफ द माउंटेन ऑफ इराक द साउथ। अब जो साउथ बचता है, मतलब हमने नॉर्थ ईस्ट इधर कवर कर लिया, नॉर्थ कवर कर लिया, देन साउथ की बात करें तो साउथ में दिस डेजर्ट, द साउथ इज़ अ डेजर्ट, दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटीज़ एंड द राइटिंग्स इमर्ज। तो ये बेसिकली वो प्लेस थी जहाँ पे फर्स्ट टाइम द राइटिंग्स हैव बीन इमर्ज। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लॉट्स ऑफ सिल्ट
when they flood or when their water is let out, द फर्टाइल सिल्ट इज डिपॉजिटेड. ठीक है, तो ये एरिया जो है ये इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द मेसोपोटामिया. आफ्टर दैट आप इस मैप के थ्रू चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं दैट हाउ ए हियर दिस ग्रीन पार्ट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये जितने जितने आप देख रहे हैं सिंबल्स रिगार्डिंग माउंटेन, ये सब क्या है, माउंटेनियस रीजन है. जैसे कि हमने अभी डिस्क्राइब भी किया है पीछे कि नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न रीजन में आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लेन्स देखने को मिलते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. देन इसके बाद साउथर्न लिमिट ऑफ द जोन एंड ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर इज कैन बी ऑल्सो सीन बाय दिस रेड कलर लाइन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का आज हम लोग आगाज़ कर चुके हैं और विथ द डिफरेंट एंड द अपकमिंग पार्ट्स यू विल गेट द होल अबाउट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन. एंड अगर इससे पहले आपने मेरी जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं रिगार्डिंग द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं देखी है तो उसको भी देख लें एंड देन आफ्टर आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड दिस डेली डोज ऑफ हिस्ट्री इज़ अवेलेबल फॉर यू एट 10 AM. सो आप प्लीज़ डेली इसको फॉलो करें और मेरे साथ साथ अदर्स जितने भी एजुकेटर्स हैं अपने इस आशीष मलिक आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पे सभी को फॉलो करें बिकॉज सब आपके बेटरमेंट के लिए कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.